लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने तोड़ने के बाद वो भागा नहीं, वहां पे खड़ा हो गया स्माइल करते हुए। फिर पुलिस वाले ने पूछा किसने किया है ये, फिर टोपी ने बोला कि आपको नहीं लगता ये मैंने किया है, तो पुलिस वाले ने बोला अगर तुमने ये किया होता तो तुम अभी भाग रहे होते। और सोफी का प्लान फिर से फेल हो गया। देन आफ्टर दैट ही थॉट दैट ही विल गो टू अ रेस्टोरेंट नॉट दैट मच लाइक द फर्स्ट वन, देयर द फूड इज नॉट दैट वेरी वेल देयर, बट देन व्हेन ही विल ईट द फूड ही विल से दैट अगेन दैट आई हैव नो मनी टू कॉल द फूड। एंड व्हेन ही गॉन देयर he ordered a meal, then he ate it. After that, the waiters came to him. He said that he had no money. I am busy, call the cop. Then the waiters said, we won't call cops, and threw him out of the door. तो उसका तीसरा plan ये था कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा जो पहले वाले थोड़ा सा खराब होगा, वहाँ का खाना उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन वो फिर से खाने के बाद भी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, और जो वेटर्स होंगे वहाँ के पुलिस को बुला रहे हैं। लेकिन जब वो उसने पूरा अपना खाना खा लिया तो फिर उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो वेटर्स ने बोला कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है, और उसने कान के बल जमीन पर फेंक दिया बाहर डोर से। आफ्टर दैट ही स्टूड अप एंड gone to shop. It was his fourth plan. He gone to the shop and it was almost evening. There was an umbrella. He took the umbrella and ran away. The man whose umbrella was this man, a man thief. He was also a thief, but when he got that soapy stole it, he reached him. Soapy said, don't you think we have to call the cop? This is front of us. The man was going towards the cop very slowly, and Soapy was going slowly like him. But when he is there, the thief said that, is it your umbrella? I found it in shop. He was scared of him because that if he was caught, then he had to go to jail. But the Soapy was angry and said, yes, this umbrella is mine. Then the police ignored him and gone to help a lady at the street. मैंने कि उसका टॉपर प्लान था कि वो एक दुकान से अम्ब्रेला छुड़ा के भागा, जिसका वो अम्ब्रेला था वो उसकी तरफ आएगा और वो अम्ब्रेला उसे मांगेगा, लेकिन वो भी बोलेगा कि हमें पुलिस वाले बुलाना चाहिए जो कि सामने है, बोला उसने। दोनों बहुत धीरे गए, वो जो मैन था उससे भी धीरे सोपी जा रहा था। उस आदमी ने जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने बोला क्या ये तुम्हारा है, मैंने इसे सुबह दुकान पे देखा था। तो सोपी को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में बोला हाँ ये मेरा है। फिर पुलिस ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया और एक लेडी जो स्ट्रीट के पास थी उसको उसकी मदद करने चले गए। सोपी वॉज रियली टायर्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट। देन he was going towards his home at the square. His home was on the sea, where he moves restlessly all the day. Then, while he was going to the medicine square, he saw that a music is coming from a house. There was a child, and the music was remembering his childhood, that how he played, who was his mother, flowers, the peaceful, plentiful days, and the moon, which was looking very peaceful. That made Soapy thought that what he was going to do, he would find a job the day after it. A man offered him a job offer. He said that he will find that man next day. But when he was thinking about it, a cop suddenly came behind him. He said, what are you doing? Soapy said nothing. The cop said, am I looking fool to you? Will I trust you? Then the cop arrested Soapy, and the next day he
was sent to the court. There he got a punishment of 3 months in Blackwell's Island. यानी कि उसका जो जब वो वापस अपने घर आ गया थक के आ रहा था, जो कि उसका बस एक सीट था पार्क के अंदर, जब वो आ रहा था तो उसे एक घर दिखा, जहाँ से बहुत अच्छी म्यूजिक आ रही थी और एक बच्चा था। उसे उससे उससे वो देख के याद आ गई कि उसका बचपन बचपन कैसा था, उसकी माँ कैसी थी और फूल कैसे थे, और चांद भी उसका बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर उसने सोचा कि वो क्या करने जा रहा था। फिर उसने सोचा कि उसे एक बार एक आदमी ने जॉब ऑफर की थी, कल वो उस आदमी को ढूंढेगा और वो जॉब ले लेगा। लेकिन जब उसने वो जब वो सोच रहा था, तभी एक पुलिस वाला पीछे से आया। उसने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बोला, कुछ नहीं। तो पुलिस वाले ने बोला कि क्या मैं तुम्हें बुद्धू दिखता हूँ, और उसे उसने अरेस्ट कर लिया। अगले दिन जब उसे कोर्ट में भेजा गया तो उसको पनिशमेंट सुनाई गई कि 3 months इन ब्लैकवेल आइलैंड, यानी कि 3 महीने प्रिजन ब्लैकवेल आइलैंड में। थैंक यू।